हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 फॉर एक्सरसाइज 4.6। क्या कह रहा था? सम ऑफ थ्री नंबर है 6, तो कोई भी तीन नंबर लेट कर लो आप, या तो एबीसी या एक्स वाई जेड, है ना। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 60 है। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय थ्री एंड एड सेकेंड, ठीक है, वी गेट 11। क्या बोल रहा है? इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर, जो थर्ड नंबर है उसको मैं थ्री से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ और उसको एड कर देता हूँ सेकेंड नंबर के साथ, तो मुझे क्या मिलता है? 11 मिलता है बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। क्या कह रहा है? बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड करता हूं तो वी गेट डबल द सेकंड नंबर, डबल द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है? वाई है। देखो, इफ वी गेट इफ वी ऐड फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल द सेकंड नंबर, तो इक्वल्स टू 2y। अगर मैं 2y को उठा के इधर लिया हूं तो -2y हो जाएगा ना। समझ रहे हो इक्वेशन कैसे क्रिएट कर रहे हैं अपन? ये -2y और इक्वल्स टू में 0 बन गया ये, ऐसे, है ना। इसको थोड़ा सा अपन रिकरेक्ट भी कर सकते हैं, एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, लाइक दैट, ठीक है। अब देखो, इस इक्वेशन से हमें यूजिंग मैट्रिक इक्वेशन, वही सिंपल प्रोसेस है भाई। ए का वैल्यू क्या बनेगा? देखो, यहाँ पर एक्स की कॉफिशियंट 1, यहाँ पर एक्स का कॉफिशियंट है नहीं तो 0, यहाँ एक्स का कॉफिशियंट 1, वाई का कॉफिशियंट 1, यहाँ वाई का कॉफिशियंट 1, यहाँ वाई का कॉफिशियंट -2, यहाँ जेड का कॉफिशियंट 1, यहाँ जेड का कॉफिशियंट 3, और यहाँ जेड का कॉफिशियंट अगेन 1। एक्स का वैल्यू एक्स वाई जेड, और जो कांस्टेंट है बी, उसके लिए 6, 11 और 0, इधर 6, इधर 11 और इधर 0। सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकाल लो, है ना। ये गया, ये गया 1 -2 3 1, ठीक है, -1। ये गया, ये गया 0 1 3 1, ये गया, ये गया 0 1 1 -2, 1 1 जा 1 -2 3 जा -6 +6, ये -2 है ना। फॉर्मूले का माइनस, फिर 2 3 जा -6, 0 -3, 0 -1, 7। 0 में से माइनस किया -3, तो ये +3 हो गया। ये 0 में से किया -1, -1 हो गया। 7 3 10, 10 -1 कितना हो गया? 9 हो गया। दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। इट मीन्स ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, फर्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़े, अब अपन को क्या बनाना है? एडजॉइंट। तो लिखो फिर से, ए मैट्रिक्स लिखो, 1 0 1 1 0 1 1 1 -2 1 1 -2 1 3 1, ठीक है। ओके ओके ओके, आ जाओ। अब मैं बना रहा हूं सबसे पहले a11, क्या बना रहा हूं मैं यहां पर, a11। देखो, a11 का वैल्यू क्या रहेगा हमारे पास? ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 1 1 जा 1, -2 3 जा -6, तो +6 कितना हो गया? 7। a12 पर आ जाओ, नेगेटिव का साइन लगेगा, ये चला गया, ये चला गया, ये 0 और ये -3, तो ये +3 लिख देता हूँ डायरेक्टली। a13 पर आ जाओ, ये चला गया, ये चला गया, ये 0 और ये -1, ओके। फिर आ जाओ आप 8 2 1 पर, नेगेटिव का साइन, ये चला गया, ये चला गया, 1 1 जा 1, माइनस, फिर -2 +2, 8 2 2 पर आ जाओ, ये चला गया, ये सेंटर में चला गया, 1 1 जा 1, 1 -1 0। 8 2 3 पर आ जाओ, फिर नेगेटिव लग गया, ये चला गया, सेंटर में चला गया, -2 -1 कितना होगा? -3, और +3 हो जाएगा 8 2 3। अगला देखो, 8 3 1 की वैल्यू, ये चला गया, ये लास्ट वाला चला गया, 3 1 जा 3, -1 2, 8 3 2 पर आ जाओ, ये चला गया, ये सेंटर में चला गया, 3 1 जा 3, 8 3 3 पर आ जाओ, ये चला गया, ये लास्ट में चला गया, 1 1 जा 1, ठीक है। अब लिखो आप एडजॉइंट,
एडजॉइंट ऑफ ए का जो वैल्यू रहेगा हमारे पास ए वन वन सेवन, ए वन टू थ्री, ए वन थ्री माइनस वन, फिर आ जाओ ए टू वन माइनस थ्री जीरो थ्री, फिर आ जाओ टू माइनस थ्री वन और इसका ट्रांसपोज सेवन थ्री माइनस वन माइनस थ्री जीरो थ्री टू माइनस थ्री वन। क्लियर है यहां पर? बिल्कुल क्लियर है एडजॉइंट। अब एडजॉइंट मिल गया अपन को, अब हम ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्टली। बिल्कुल, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमें क्या लिखना है, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी लिखना है। ए इनवर्स का मतलब क्या हुआ हमारे पास, ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए और बी। लिखो, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकाली हमने, नाइन। एडजॉइंट की वैल्यू भी पीछे निकाली क्या थी, सेवन थ्री माइनस वन माइनस थ्री जीरो थ्री टू माइनस थ्री वन और फिर बी से मल्टीप्लाई। बी की वैल्यू देखो क्या, सिक्स इलेवन जीरो पहले रो से कॉलम, सेवन सिक्स 42 माइनस का 33 फिर जीरो, थ्री सिक्स 18 फिर जीरो, फिर जीरो, फिर माइनस का सिक्स फिर 33 फिर जीरो। 42 में 33 जाएगा, कितना बचेगा, सेवन एट नाइन बचेगा आपके पास। बिल्कुल, 33 सेवन 40 42, ये कितना हुआ, ओनली 18। और इधर से 3 चल जाएगा, कितना बच जाएगा, 30, 30 में से क्या ये 27, डिवाइड कर दो 9 से तीनों को, 9 वन जा 9 टू जा 9 थ्री जा 27। यही तो एक्चुअल में एक्स वाई जेड थे आपके पास। ठीक है, तो आपके पास रिप्रेजेंट फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स यूजिंग, सो नंबर आर एक्स इक्वल्स टू वन, वाई इक्वल्स टू टू और जेड इक्वल्स टू थ्री। क्लियर है यहां पर? तो ये हो गया आपके पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 के लिए।